मैंने माँ को जब भी देखा खुश ही देखा। हम भले ही किराए के घर में रहे, मुझे भले ही ठीक से खेलने को नहीं मिला और माँ को हर वक्त मेरी चिंता लगी रही। भले ही हमारा मोहल्ला ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे घर में खुशियां कभी कम नहीं पड़ी। बेटा दरवाजा खोल, पापा आए होंगे। माँ ने पापा से कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। लेकिन माँ अक्सर एक बात कहा करती थी, सुनिए, वो मैं सोच रही थी कि हमारा भी एक अपना घर होता, सुकून भरा, हमारा अपना। और ये बात कह के वो खुद ही हंस देती थी। वो हंस तो देती थी, लेकिन मैं जानता था उनकी वो बात सिर्फ बात नहीं थी, बल्कि सपना था, एक अच्छे घर का सच्चा सपना। आज जब महिमा के कल्चरल ग्राउंड में पूरी सोसाइटी को एक साथ दिवाली मनाते हुए देखता हूं, बच्चों की सेफ्टी की परवाह किए बिना उन्हें उनके मनपसंद खेलों को एंजॉय करते देखता हूं, जब पड़ोसियों को अपने पन के साथ गले लगते हुए देखता हूं, आज जब नए घर की बालकनी में मां को पापा के साथ चाय पीकर मुस्कुराते हुए देखता हूं, तो लगता है जिंदगी में कुछ तो किया है। सपनों को समझिए, क्योंकि अपनों के सपने मायने रखते हैं। महिमा ग्रुप, कमिटेड टू एक्सलेंस।